सभी ANM सिस्टर को मेरा नमस्कार। चलिए आज हम लोग आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं और जहां पर आप लोगों को डिटेल्स समझने की ज़रूरत होंगे वहां पर हम आपको पूरी चीज़ डिटेल्स में समझाएंगे और आप लोगों को एक बड़ी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि जैसे कि आप लोग जो क्लास ज्वाइन किए हैं तो या जो नहीं ज्वाइन किए, जो ज्वाइन किए हैं उसका ग्रुप बन चुका है ऑलरेडी, लेकिन हम एक चीज़ और आप लोगों के लिए सोचा है जो कि आपके रिजल्ट के लिए ये बेहतर साबित होंगे। इसमें करना क्या है आपको, नहीं कुछ करना है आपको, बस इतना करना है कि जैसे हम आपको पांच मेंबर ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा में गैदरिंग हो जाएंगे, पांच मेंबर का जो पांच आपका ANM सिस्टर होंगे वो आप लोग चूज कर लीजिएगा कि किसको उस ग्रुप में रखना है, वो हम आपको मतलब बताएंगे। वो आप जैसे आप ग्रुप में ऐड है तो वहाँ पर आप किस किस को रखना चाहते हैं, या आप जो आपका जो दोस्त है उन सबको ज्वाइन करवा दीजिए, हम आप सबको पाँच को एक ग्रुप में रखेंगे और वहाँ पर डिस्कस चलेगा। जैसे कोई टॉपिक बताएंगे, जैसे क्या हम ये हड्डी से रिगार्डिंग कितने तरीके से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका हम चार पांच टॉपिक जैसे कोई चीज़ से क्वेश्चन पूछते हैं कैसे घुमा कर पूछेंगे, क्योंकि BTSC में बहुत सारे कैंडिडेट का इसी के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो हम इस तरीके से इस बार आपको तैयार कराएंगे कि आपका किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आपको दिक्कत नहीं होंगे। जैसे कि हड्डी से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो हड्डी क्या चीज़ से बने होते हैं, इसका क्या मतलब कि कार्य है, हमारे शरीर में क्या फंक्शन है, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या क्या पोषण तत्व इसका ज़रूरत पड़ता है, और भी इनसे जो भी इसका मतलब कि जैसे कि कौन सा सबसे मजबूत हड्डी है, कौन से छोटी हड्डी है, हमारे शरीर का सबसे लंबा हड्डी क्या है, इस तरीके से हम चार पाँच पॉइंट बना देंगे। उसमें आप लोग जो पाँच स्टूडेंट येगा वो सारे डिस्कस करिएगा कैसे क्या करना है, उसका फिर सबमिट करके हमारे पास आएगा और उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे। उसमें पांच पांच मेंबर का ग्रुप बनाएंगे तो आप लोग अपने जो भी ज्वाइन किए हैं अपने दोस्त को भी ज्वाइन करवा दीजिए, जो आपका करीबी है या जिसके साथ आप कंफर्टेबल है कि हम इन सब के साथ अपना डिस्कशन करने में हमारी तैयारी और बेहतर होंगे, तो उन सब को भी ज्वाइन करवा दिए। हम उन्हीं आपके चॉइस के अनुसार ही पांच को एक जगह रखेंगे और वहां पर डिस्कस करेंगे। वैसे सब तो एक साथ रहेंगे ही, लेकिन जब डिस्कशन आएंगे जैसे संडे को या सप्ताह में दो दिन रखेंगे तो उस दिन हम आपको उन सारे के बीच क्या क्या टॉपिक पे डिस्कस करना है वो सब भी बताएंगे। तो ये आप लोगों के रिजल्ट के लिए बहुत ही अहम साबित होंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो जैसे कि हम लोग 20 क्वेश्चन तक देख चुके थे, अभी थोड़ा सा मिडवाइफरी का रेस्ट दे रहे हैं, मिडवाइफरी का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है तो मिडवाइफरी चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक से दो रोज़ एक रोज़ और ये क्लास कर लेते हैं और इससे आपको थोड़ा सा लगेगा। सब टॉपिक वाइज मिला जुला के चलते रहेंगे तो आपको भी ज़्यादा उस तरीके से बर्डन फील नहीं आएंगे। तो जैसे आप लोग कह रहे हैं कि सर लाइव में मतलब कि पढ़ाइए पूरी तरीके से, जो लाइव हो सब वहाँ पर कनेक्ट हो, तो वो आपको नेक्स्ट मंथ से लाइव ही क्लास देंगे, पूरी लाइव देंगे जब ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे। लाइव आने में तभी अच्छा लगता है जब ज़्यादा स्टूडेंट हो। तो अभी आप लोग थोड़ा सा जो भी आपके फ्रेंड और जो भी आपका सिस्टर है जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि जल्द इस महीना में जितना हमने टारगेट रखे उतना अचीव हो जाए। अगले महीना से हम पूरी लाइव क्लासेज आपको देने की ट्राई करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे कल के ही क्लास में कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दो नैतिक आचरण क्या होना चाहिए, मतलब कि आपका जो नेचुरली बिहेव होना चाहिए। जैसे आप जॉब करने गए, ANM में जॉब लगा, मान के चलिए 24 में आपको जॉब लगे, आप लोगों को तो लग ही जाएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे आपका जॉब लगा तो आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपके पास जो पेशेंट आएंगे उसको मतलब कि आप लोगों को 50 या मतलब कि 70% वर्क तो आप ही लोगों को करना पड़ता है। डॉक्टर मतलब कि जो जिस टाइम मतलब कि पेशेंट जाते हैं उसी टाइम तो उसको मतलब रहते हैं, उसके बाद सारा टाइम तो आप ही लोगों को केयर करना होता है। तो कैसे आपको मतलब अपना नैदानिक आचरण रखना चाहिए, मतलब कि उसमें आप लोगों को क्या होना चाहिए, समान भाव, समान विचार और बिना भेदभाव को देखभाल करनी चाहिए। ये नहीं कि ये हमारे रिलेटिव है, मेरा चचेरा मुमेरा फेरा है तो इसके प्रति ज़्यादा हमारा सहानुभूति रहेंगे और दूसरा है जिससे हम
मतलब कि अलग भाव से देखेंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो आपका नैतिक आचरण कहता है उस अनुसार आप लोगों को क्या होना चाहिए, एक समान भाव से, समान विचार से, समान भेदभाव से देखना चाहिए। अभी तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हमको भगवान नौकरी दे दे तो हम मतलब कि पूरी ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ वर्क करेंगे, जो मतलब कि होता है। लेकिन फिर आप वर्क में जाने के बाद कितना ऑनेस्ट रहते हैं, ये मेन फैक्टर है। जॉब तो होंगे ही, लेकिन आप लोग कितना ऑनेस्ट रहते हैं ये भी बड़ी बात होते हैं कि आप जॉब के प्रति, आप अपने मतलब समाज के प्रति कितना ऑनेस्टी दिखाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि हड्डी के विकास के लिए क्या आवश्यक है, विटामिन बी, आयोडीन, कैल्शियम या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन हम आपको बहुत ही डिटेल्स में बता चुके हैं कि हड्डी के विकास के लिए क्या सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, इसमें कैल्शियम दिया है, कैल्शियम और फॉस्फोरस, क्या चीज़ का, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ऐसे दो चीज़ होते हैं जो मतलब कि हड्डी के मजबूत या उसके मतलब कि पोषण तत्व में सहायता प्रदान करते हैं। कैल्शियम मेजरली होते हैं, मतलब कि उसके विकास के लिए कैल्शियम ही मेनली जिम्मेदार होते हैं। लेकिन इसमें मतलब कि दो कैल्शियम और फॉस्फोरस दो होते हैं। हड्डी भी दो तरीके से होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं, कोई कठोर हड्डी होते हैं, कोई मतलब कि थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि उपास्थि होता है जिसको कार्टिलेज कहते हैं, वो मतलब मुलायम होता है, जैसे कि जोड़ वाले भाग हुए वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, कान में देखने को मिलते हैं, कान में भी हड्डी है लेकिन उतना कठोर नहीं है, जैसे कि आपकी जांघ की हड्डी हो गया, अदर पार्ट का जो हड्डी हो गया वो सब कठोर होता है, वो सब मतलब हड्डी मतलब कि अस्थि भी उसको बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। मतलब इंग्लिश में उसको बोन कहते हैं, हिंदी में अस्थि भी कह सकते हैं, हड्डी भी कह सकते हैं। उपास्थि मतलब कार्टिलेज, वो भी हड्डी का ही प्रकार है जो कि मतलब सॉफ्ट और मुलायम होते हैं। इसका मेनली आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बारे में हमने पूरी डिटेल्स में एक क्लास लिए थे जहाँ पर किसी भी तरीके से हड्डी के लेकर कोई भी क्वेश्चन आएंगे, बड़ी हड्डी, छोटी हड्डी, कहाँ पर कौन से हड्डी है, हमारे हाथ में कितने हड्डी है, पैर में कितने हड्डी है, जैसे हमने आपको बताए थे कि एक हैंड में हम लोगों का 30 हड्डी होते हैं, दोनों मिलाकर 60 होते हैं, उसी तरीके से हमारे पैर में भी होते हैं, इस तरीके से पैल्विस में कितने होते हैं, सारा कुछ हमने आपको उसमें डिटेल्स में उस वीडियो में बता रखे हैं। तो वो क्लास ज़रूर देखिएगा, जो भी अभी तक नहीं देखे हैं क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्या करना है, क्लास ज्वाइन कर लेना है। जो भी कैंडिडेट है इस नंबर पर कॉल करके 7050872996 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, कॉल करके क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सारा जो क्लास छूट गया है वो भी मिल जाएंगे, आगे की क्लासेस भी मिलेंगे, और जो भी नई मतलब स्ट्रेटजी आपके एग्ज़ाम के लिए लाएंगे वो सारे आपको बताया जाएगा, ताकि आपको अच्छे से मतलब प्रिपरेशन करने के बाद आपका एग्ज़ाम कोई ना कोई निकल जाए, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपका एएनएम का बहाली आने वाले हैं। साथ ही आपके बहाली को लेकर भी सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, कोई भी बहाली आएगा वो आपसे मिस नहीं होगा, सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। क्लास में और सारा कुछ मॉडिफाई होंगे धीरे धीरे, इसके लिए आप लोग जितना मतलब कि प्रयास कर सके थोड़ा सा फ्रेंड्स सब के पास शेयर करिए, ताकि और कैंडिडेट इसमें जुड़े, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए और बेहतर क्लास शुरू मतलब कि और भी अच्छे तरीके से सारा कुछ जो टेस्ट सीरीज और भी सारा कुछ चालू किया जाए, क्योंकि इसी के वजह से टेस्ट सीरीज भी रोके हुए हैं कि जितना स्टूडेंट का टारगेट किए हुए हैं उतना अगर आ जाते हैं तो टेस्ट सीरीज भी आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। अगला है कि घेंघा रोग की कमी से होता है, मतलब कौन सा रोग होता है, मतलब कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, मतलब कमी से होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग में, किसकी कमी से लिख लीजिएगा, मतलब कि किसकी कमी से या क्या चीज़ की कमी से होता है, मतलब किसकी लिख लीजिएगा, किसकी कमी से होता है। इस ऑप्शन में है सोडियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोग जानते हैं कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन आप लोग जानते हैं नमक, नमक के कमी से यदि शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है तो उससे घेंघा रोग होते हैं, ठीक ना। अब ये नहीं कि आज से आप धड़ाधड़ अंधाधुंध नमक खाना शुरू कर दिए, ये बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो पता चलेगा आपका बीपी हाई हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण समुदाय की
प्रथम स्वास्थ्य इकाई कौन सा होता है, जो ग्रामीण लोग होते हैं उसके लिए प्रथम स्वास्थ्य की इकाई, मतलब कि पहले कहाँ उपचार के लिए प्रीफर करेंगे, कहाँ जाएंगे ग्रामीण स्वास्थ्य में जब कोई समस्या स्वास्थ्य को लेकर किसी व्यक्ति को आते हैं, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ जाना मतलब जाएंगे, जो नज़दीक रहेंगे ऑब्वियसली वहीं पर जाएंगे, उसके बाद अगर वहाँ से रेफ़र किया जाता है तो उसके बाद जाएंगे दूसरे मतलब कि बड़े हॉस्पिटल में या दूसरे स्वास्थ्य केंद्र में। तो सबसे पहले ग्रामीण समुदाय की प्रथम जो स्वास्थ्य इकाई होती है वो स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बड़े शहर बड़े सिटी है, पटना हो गया, दरभंगा हो गया, भागलपुर हो गया, या आपका अदर जो भी यूपी या और भी जगह के हैं बड़े बड़े शहर हैं, तो वहाँ पर तो बहुत सारा हॉस्पिटल अवेलेबल रहते हैं तो वहाँ पर चल जाता है। लेकिन ग्रामीण समुदाय में मतलब कि एक ग्रामीण स्तर पर जो बनाया जाता है स्वास्थ्य उपकेंद्र, तो वो मतलब कि वहीं पर जाना प्रीफर करते हैं। कितनी आबादी पर बनते हैं ये हमने कल के क्लास में बता दिए थे, ठीक ना। तो क्वेश्चन को रिपीट करते हुए भी चल दिएगा, क्योंकि अगर एक बार नहीं आता है दोबारा क्वेश्चन जो लेक्चर दे रहा है उसको देखिए, पीडीएफ भी आपको मिल चुका है जो भी क्लास लिए हैं, और पीडीएफ से पढ़िए या आप एक बार और दोबारा उस क्लास को देखिए, आपकी मतलब कि सारे क्वेश्चन आने लगेंगे। ऐसा नहीं सारा याद करने की ज़रूरत है, आप उसको देखिए एक से दो बार, एक बार पीडीएफ पढ़िए, फिर हम रिवाइज करवाएंगे, आपको एग्ज़ाम तक सारा कुछ आ जाएगा। अगर मरीज को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रेफर कर भेजना चाहिए, मरीज को जो महिला स्वास्थ्यकर्ता आप लोग जो रहिएगा वर्क में, तो मतलब रेफर करके भेजना चाहिए, कहाँ पर भेजा जाता है, जिला अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या इनमें से कोई नहीं, तो कहाँ पर आप लोग भेजिएगा, मतलब कि जैसे जिला अस्पताल तो प्रथम भेजिएगा नहीं, सर्वप्रथम कहाँ भेजिएगा, मतलब कि प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होंगे, अगर उपकेंद्र पर पहुँचा है तो उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजिएगा, अगर वो रेफर करना चाहेंगे तो वो जिला अस्पताल या जहाँ पर वो सारे कुछ सुविधाएँ उपलब्ध होंगे वहाँ पर भेजेंगे। जैसे कि बिहार में ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं किसी भी पेशेंट को, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या कहीं से भी डॉक्टर पीएमसीएच जनरली भेजते हैं, जहाँ पर अभी आप लोगों की बहाली आने वाले हैं। पीएमसीएच में बहाली अगर आप लोगों को जॉब हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि बड़ा सिटी है, बड़ा अपॉर्चुनिटी भी रहता है, तो इसलिए पटना में अगर जॉब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होंगे, इसलिए आप लोग तैयारी में भी ज़ोरों से लग जाइए। अगला कह रहा है कि ये क्वेश्चन तो हो चुका, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा रोग जिसका भारत से उन्मूलन हो चुका है, उन्मूलन मतलब क्या होता है, उन्मूलन मतलब क्या कि समाप्त हो जाना, क्या होना, कल हमने जैसे कि बातों बात में ही ये बता भी दिए थे, इसका आंसर आप लोग कर भी सकते हैं कि WHO को जहाँ पर समझा रहे थे वहाँ पर हमने आपको बताए थे ना कि मतलब कि स्वास्थ्य, हम आप लोग बार बार कहते रहते हैं कि व्हाट्सअप मैसेज ज़्यादा मतलब कि अच्छा रहता है कि आप लोगों की क्लास ज्वाइन करने के लिए, कॉल भी करिएगा कब जब कोई दिक्कत आ जाती है तब कॉल करिए, नहीं तो व्हाट्सअप मैसेज करके भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे ही हम आपको सारा डिटेल्स भेजते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हाँ ये हम समझा रहे थे उन्मूलन को लेकर, इसका मतलब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाना। तो हम जहाँ पर WHO के बारे में बता रहे थे कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो मतलब कि पूरा विश्व में स्वास्थ्य संबंधी सारे गाइडलाइंस सारा नियम सारा कुछ वो जारी करते हैं, उसी के फॉलो किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो कहाँ पर कौन सी नया बीमारी आया है, किस देश में कौन सी बीमारी समाप्त हो चुका है, कोरोना काल में जो आप लोगों के गाइडलाइंस आते थे वो मतलब WHO के उसी से मतलब आता था, और साथ ही आपका यदि हम बात करें तो WHO के स्थापना को लेकर भी हमने आपको बताए थे कि हमारे देश के आज़ादी के एक साल बाद उसकी स्थापना हुई थी 1948 में, ये बात याद रखिएगा, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा रोग जिसका भारत से उन्मूलन हो चुका, मतलब कि भारत से समाप्त हो चुका है, पहले ये रोग बहुत होते थे लेकिन अब उसका उन्मूलन हो चुका है, समाप्त हो चुका है, नेग्लिजेबल हो गया है, इसका केसेज अब भारत में बहुत ही कम आते हैं। तो वो कौन सा केस है, इसका आंसर आप लोग भी दे सकते हैं, आप सबको भी पता होगा, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता जो है ये मतलब कि भारत से अब उन्मूलन हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उन्मूलन क्या होता है ये हमने आपको बता दिया है, तो हमारे या इसके जगह पर रहेगा कि कौन सा मतलब कि रोग हमारे कौन सा ऐसा बीमारी है या कौन सा रोग है जो भारत से समाप्त हो चुका है, तो छोटी मात्रा है। और ये सब जो है जैसे कि खसरा, हैजा, क्षय रोग, ये सब अभी बाकी है। क्षय रोग मतलब टीबी जो होता है। अगला है कि इनमें कौन सा जलजन्य वाटर बॉर्न रोग है, इनमें से कौन ऐसा रोग है जो वाटर से मतलब पानी के ख़राब पानी पीने से या जो गंदा पानी होता है उसका सेवन करने से होते हैं, मतलब जल से आपके मतलब कि संबंधित जो रोग है जल के, आप ख़राब जल के उपयोग करने से आपको मतलब कि वो बीमारी होते हैं, वो कौन सी बीमारी है ये आपसे पूछ रहा है कि जो जलजन्य वाटर बॉर्न रोग है। जैसे दिया है कि मेनिनजाइटिस या टाइफाइड, डायबिटीज या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर बहुत ईजी है। आप लोग कह सकते हैं डायबिटीज़ तो जल से होता नहीं है, ये गलत हो गया। मेनिनजाइटिस भी जल से नहीं होता है। टाइफाइड आप लोग सुनते होंगे, जो बुखार है वो जनरली आप किसी अदर सिटी में जाते हैं या अपने घर पे ही रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, जनरली अदर अदर जगह पर जाने प्लेस पे जाने पर आप यदि अलग अलग पानी पीते हैं तो बुखार आता है, 2-3 दिन बुखार होने के बाद वो टाइफाइड में रूप ले लेता है, तो वो मतलब कि जल जनित ही रोग है, वाटर बॉर्न रोग ही माना जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, इसलिए आप लोगों को लाए हैं क्योंकि आप लोग मिडवाइफरी पढ़ते पढ़ते बहुत हो गया था, तो सोचिए कुछ आप लोगों को ईजी वाला टॉपिक लाया जाए। इससे भी अच्छा क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से मिडवाइफरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हालांकि रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन सी, डी, विटामिन ए या इनमें से कोई नहीं, तो रतौंधी जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो किसकी कमी से होता है, ये इसका आंसर आप लोगों को पता भी है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। विटामिन ए की कमी से होता है ना, तो क्या क्या चीज़ से होता है, विटामिन ए की कमी से मतलब कि नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी होते हैं, और ये मतलब कि जन्मजात भी होता है। जहाँ पर हम एक क्वेश्चन करवा रहे थे कि कौन कौन से जन्मजात रोग है, तो वहाँ पर हमने बहुत सारे ऑप्शन देखे थे, तो वहाँ पे ये भी था, तो रतौंधी भी क्या होता है, जन्मजात रोग भी होता है, बाहरापन भी जन्मजात होता है, इस तरीके से वो क्वेश्चन था। सब क्वेश्चन को ये माइंड में रिलेट करते चलिएगा ना, तो भूलने का बहुत कम चांसेस रहेंगे। इस तरीके से हम आपको पहले जो बता दिए हैं उससे रिलेटेड कोई भी ऑप्शन, कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन को रिकॉल करने का प्रयास करिए, अगर याद नहीं आ रहा है तो फिर से उस क्वेश्चन को देखिए, तो आपको मतलब कि वो ज़्यादा समय तक ध्यान में रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी अस्थाई विधि है, एटीपी, नसबंदी, कॉपर ट्री या इनमें से कोई नहीं, तो ये सब आप जानते हैं नसबंदी ही एक अस्थाई विधि है, ये सब मतलब कि अस्थाई विधि नहीं है, टेम्प्रोरी ये सब होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण समुदाय के अपेक्षा शहरी समुदाय में मिलता है क्या चीज़ मिलता है, मतलब कि पड़ोसीपन का अभाव देखने को मिलता है या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जवाब रिस्पॉन्स कम मिलता है या काम करने में कठिनाई होती है या ज़्यादा समय ज़्यादा नष्ट होते हैं, ग्रामीण समुदाय का अपेक्षा शहरी समुदाय में क्या मिलता है, तो ये आप लोग ये नहीं मतलब कि क्वेश्चन मिलता जुलता है ऑप्शन, ये मत आ जाइएगा टिक करके कि पड़ोसीपन का अभाव होता है, ये तो होता ही है, लेकिन आपको स्वास्थ्य संबंधित आंसर देना है ना, तो वहाँ पर क्या लिखिएगा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के जवाब मतलब रिस्पोंडेंट में कम मिलता है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विवाह संशोधन अधिनियम के तहत, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है आप लोग जानते भी होंगे, लड़के और लड़की का उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो लड़के का 21 और लड़की का 18 ये है, लेकिन अब आएंगे तो वो चेंज हो जाएगा क्योंकि अब बढ़ा दिया गया, लड़की का भी 21 कर दिया गया है, ठीक ना, जो संशोधन हुआ है इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आई थी। हालांकि दंपत्ति सर्वेक्षण आवश्यक है क्या चीज़ के लिए, जनगणना के लिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम या
इंदिरा आवास के लिए या इनमें से कोई नहीं, जो दंपत्ति सर्वेक्षण किया जाता है वो क्या चीज़ के क्यों किया जाता है, किस आवश्यकता के लिए, किसकी पूर्ति के लिए किया जाता है, क्या जनगणना के लिए किया जाता है, जनगणना के लिए तो किया नहीं जाता, जनगणना तो ऐसा है नहीं कि दंपत्ति के ही करेंगे, उसमें तो जो होते हैं बच्चा बूढ़ा जितने सारा कुछ होते सारे कुछ को ऐड किए जाते हैं, सारे कुछ का गणना किया जाता है जनगणना में। दूसरा है इंदिरावास, इंदिरावास के लिए भी नहीं है, उससे दंपत्ति से क्या मतलब है, सिंगल भी रहता है उसको भी दिया जाता है, जो बूढ़ा है उसको भी मिलता है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं। हाँ, दंपत्ति जीवन से मतलब है क्या चीज़ का, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम से, क्या चीज़ से, परिवार नियोजन कार्यक्रम से। ये कब स्टार्ट हुआ था हमारे देश में, तो ये 1952 में स्टार्ट हुआ था। हम आपको मिडवाइफरी का जो लास्ट क्लास हुआ था, अभी का जो लास्ट क्लास हुआ था, परसों या तरसों करवाए थे आपको, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ था, 1952 में हमारे कंट्री में लागू हुआ था। उसके बाद इसका बहुत सारा कुछ चेंजेज किया गया, 72-79 में आके कुछ चेंज किया गया नाम में, वो सब भी हम आपको मिडवाइफरी टॉपिक में बताएंगे, पूरी डिटेल्स में बताएंगे। परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या होता है ये आपको पता है, मतलब कि जनसंख्या रिलेटेड ही होते हैं, जैसे कहते हैं ना अभी नारा है, हम दो हमारे दो, वो इसी सब का स्लोगन आता है, उसी के मतलब कि अंतर्गत आते हैं। हालांकि संप्रेषण को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, क्या दिया, स्पष्ट संदेश, बाहरापन, पागलपन, या आकर्षक एवं रुचिकर संदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण के जो प्रभावित करने वाला कारक है वो कौन सा है, बाहरापन और पागलपन ही संप्रेषण को प्रभावित करने वाला कारक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण समुदाय में शंका समाधान के लिए उत्तम विधि क्या है, ग्रामीण समुदाय में जो शंका होते हैं उसको समाधान के लिए उत्तम विधि क्या माना गया, व्याख्यान, सामूहिक वार्ता, या कार्यशाला, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, मतलब कि सामूहिक वार्ता ही मतलब कि शंका समाधान के लिए उत्तम व्यवस्था है। शंका समाधान कोई चीज़ के लिए शंका या कोई कहता है ना कि गांव सब में मतलब यहाँ पर ये है वो है, उन सबको समाधान करने के लिए क्या मतलब सामूहिक स्तर पर उसको सारा कुछ किया जा सकता है, समाधान करने का एक उत्तम विधि वो है जिससे कि ज़्यादातर मेंबर के पास पहुँच सके। हालांकि जन समुदाय के लोगों के व्यवहार में बदलाव के लिए उत्तम क्या है, दवा वितरण करना या टीकाकरण करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना। तो जन समुदाय के लोगों के व्यवहार में बदलाव के लिए उत्तम क्या है, दवा वितरण करना तो है नहीं, कितना को आप दवा दीजिएगा, टीकाकरण करना भी नहीं है पॉसिबल है, क्योंकि टीकाकरण पॉसिबल मतलब कि कह सकते मतलब बेहतर ही नहीं है। इससे अच्छा है क्या करना, अच्छा व्यवहार क्या माना जाएगा जो कि बदलाव के लिए उत्तम होंगे, वह है स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा देना। यदि स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा देंगे तो इन दोनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेंगे, न तो दवा की ना ही टीकाकरण की। तो क्या है मतलब कि जन समुदाय के लोगों को व्यवहार के मतलब व्यवहार में बदलाव के लिए क्या करना चाहिए, उत्तम मतलब है स्वास्थ्य का शिक्षा देना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र होगा यहाँ पर ऐसे ठीक ही है तंत्र है क्या, स्वास्थ्य शिक्षा तंत्र आप लोग जानते हैं, प्रसार प्रचार, गृह भेंट, या इनमें सर्वेक्षण। तो सामुदायिक स्वास्थ्य का देखभाल का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र क्या है, गृह भेंट, घर में घर जाके मतलब कि स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों का पता लगाना और उसके बाद उसका निदान करना, ये क्या है सामुदायिक स्वास्थ्य का देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण तंत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि चिकित्सीय अपशिष्ट के विसर्जन के लिए उत्तम क्या है, चिकित्सीय जो पदार्थ होते हैं जो दवा के देने के बाद मेडिसिन का जो पैकेट रह जाता है, या कह सकते हैं कि जो निडिल रह जाते हैं, सुई रह जाते हैं, और भी बहुत सारे जो अपशिष्ट पदार्थ आते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको विसर्जन करने के लिए अपशिष्ट पदार्थ को मतलब कि विसर्जित मतलब कि उसको साफ कर सकते हैं या हटाने के लिए मतलब कि क्या उत्तम विधि माना जाएगा, डंपिंग कर देना या उसको जला देना या कंपोजिंग कर देना या नदी में फेंक देना, नदी में तो बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, डंपिंग भी नहीं करना चाहिए, कंपोज भी वो होंगे नहीं, कंपोजिंग के लिए उतने सारे सारी सुविधाएँ होते नहीं है,
तो सिंपली क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं उन सबको, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल चीज़ें मिला हुआ रहता है। तो पानी में फेंकिएगा तो उसे पानी के जीव जंतु पर उसको साइड इफेक्ट तो पड़ेंगे ही, इसलिए उसको जलाने के मतलब जला देने से मतलब कि उसका विसर्जन का एक उत्तम उपाय माना जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखे और सारा एक्सप्लेनेशन के साथ देखे, कहीं कोई दिक्कत रह जाते हैं तो आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं, वहाँ पर हम आपको और भी डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करके बता देंगे। और जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको निश्चित ही इस क्लास से बेनिफिट होंगे और आप लोग ANM की जो नई बहाली आ रही है उसमें एक सीट अपना सुनिश्चित कर पाइएगा। थैंक यू।